शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपने हमारे पार्लियामेंटरी को आगाह किया कि आगे चैलेंजेस क्या और पा रहे हैं। पहले तो मुबारक इसलिए देता हूं कि जो शाह जी ने बात की शुरू में, ये बड़ा मुश्किल होता है कि टू पार्टी सिस्टम के अंदर एक तीसरी पार्टी ब्रेक थ्रू करे, बल्कि इसकी कोई मिसाल ही नहीं। आप अमेरिकन टू पार्टी सिस्टम देख रहे हैं, बरतानिया के उन्होंने बताया लिबरल पार्टी बड़ी देर से कोशिश करती रही है, उस पर ऑस्ट्रेलिया में भी वही है और इंडिया में भी जब से बीजेपी आई है वहां भी टू पार्टी सिस्टम इंट्रेंच हो गया। तो तीसरी पार्टी का टू पार्टी सिस्टम ये बड़ा एक रेयर फिनोमेना और ये पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक इसलिए है कि तब कोई ऑपोजिशन नहीं थी, 10 साल से कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही थी, डिक्टेटरशिप की वजह से वो डेड हुई हुई थी। इनके पास ना मॉरल अथॉरिटी है ना इनके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। मौलाना फजल रहमान के साथ सबसे कमजोर है वो स्पिरिचुअली और मॉरली, इसलिए आप वो पार्टी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉरल अथॉरिटी, आपको आप जब असेंबली में बैठे तो आपने ये नहीं समझना कि ये कोई बड़ा चुनाव है, आपने आपको पता है इनकी क्या बैकग्राउंड है, हमें इनके सारे कटा छटा पता है कि इन्होंने किस डील में क्या क्या पैसे बनाए। ये कभी भी आपसे ये डरे हुए हैं, आपसे ये कट्ठे इसलिए हुए कि आपसे डरे हुए हैं, ये खौफ है इनके ऊपर कि इनको नहीं पता कि इनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर क्या है। पीपुल्स पार्टी और नून लीग ने 20-30 साल अपने वर्कर्स को लड़ाया एक दूसरे से, पावर में है, इंतजामी कार्रवाई होती है, ये समझते हैं कि ये इनके लोग भी इनके साथ इकट्ठे हो गए, ये और कमजोर हो गए, इधर जेल और इधर ये सारी चीज सब इनको सब एक्सपोज है। इमरान खान साहब जो अल्लाह के फजल से नामुमकिन को मुमकिन बनाते आए और इंतजारी आ गई मेरे पे सबसे ज्यादा, उसके बाद आपके जिम्मेदारी ये है कि लोग आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो चेंज की बातें मैं करता रहा था 22 साल से कर रहा था, लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। वो अगर आपने रवायती सियासत की, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि अगले इलेक्शन में हमारे से वो होगा जो उन्होंने एएनपी से किया, वो लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, जब अगर आपने डिलीवर ना किया और इस बार बड़े चैलेंजेस हैं, ये कोई आम आम वक्त पे नहीं कोई पार्टी आ रही,